सुगैज बता दूं कि जैसी कल पबजी मोबाइल के अंदर न्यू सीजन आ जाएगा, इसी के साथ में गए यहाँ पे एक न्यू टाइप का आप लोगों को सीजन यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, जिसका नाम यहाँ पे होगा कैजुअल सीजन करके। और हो सकता है कि आप लोग यहाँ पे न्यू सीजन आने के बाद मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आई गए यहाँ पे आप लोग को डिटेल में बताता हूँ कि एक्चुअल में यहाँ पे ये जो कैजुअल सीजन है ये होता क्या है, यहाँ पे आप लोग को रिवार्ड क्या मिलेगा और साथ में गए यहाँ पे कैसे इसके अंदर आप लोग रैंक पुश कर सकते हो। तो बता दो गए इसकी जैसे ही आप लोग का न्यू सीजन आ जाएगा तो उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो जो आप लोग का सीजन रहता है इस पे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। तो सबसे पहले आप लोग का यहाँ पे एक क्लासिक सीजन दिख रहा होगा और दूसरा नंबर में यहाँ पे एक कैजुअल सीजन करके दिख रहा है और तीसरा नंबर में अल्टीमेट रॉयल करके दिख रहा है। तो अभी हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कैजुअल सीजन के बारे में, क्योंकि जो अल्टीमेट यहाँ पे जो आप लोग का रॉयल है ये अभी फिलहाल के लिए नहीं, कुछ दिन के बाद आप लोग को गेम के अंदर आएगा। तो आई गए यहाँ पे सबसे पहले बात करते कि ये जो कैजुअल सीजन है ये एक्चुअल में है क्या और यहाँ पे एग्जैक्टली हम लोग को क्या करना पड़ेगा और साथ में इसके अंदर क्या क्या रिवार्ड हम लोग को मिलेगा। तो बता दूं गाइस कि एक्चुअल में आप ये जो कैजुअल सीजन है ये गाइस यहां पे बता दूं कि जो अभी तक आप लोग क्या हो रहा था कि जो नॉर्मल यहां पे सीजन में जो आप लोग रैंक पुश करते थे उसमें क्या होता था कि जो क्लासिक का रैंक मोड है बस उसी का आप लोग का पॉइंट यहां पे काउंट होता था। लेकिन यहां पे बता दूं गाइस कि क्या होगा कि जितना भी आप लोग गाइस यहां पे अनरैंक मोड खेलते हो, अरीना मोड खेलते हो, या फिर गाइस यहां पे आर्केड हो गया, पेलोड मोड हो गया, या फिर गाइस यहां पे होम मोड हो गया, या फिर वाओ मोड हो गया, अब उसके भी गए जहां पे जो आप लोग मैच वगैरह खेलिएगा उसका गए जहां पे कुछ मिशंस रहेगा और उसको कंप्लीट जैसे आप लोग कीजिएगा तो उसके बदले में भी गए जहां पे आप लोग का यहां पे टियर अप होगा और साथ में कुछ रिवार्ड मिलेगा। तो आइए यहां पे आप लोगों को मैंने शॉर्ट में बता दिया, अब इसी को थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि एक्चुअल में ये जो कैजुअल सीजन है ये होता क्या है। तो सबसे पहले गए जहां पे देख सकते हो कैजुअल सीजन में यही यहां पे बोला जा रहा है पॉइंट नंबर 1 में कि आप लोग जो अनरैंक मोड खेलते हो या फिर अरीना खेलते हो, वाओ मोड खेलते हो, होम मोड खेलते हो या फिर जो आर्केड मोड खेलते हो उसका गए जहां पे जो आप लोग का पॉइंट है वही चीज गए जहां पे काउंट होगा। बाकी इसका लोग यहां पे बता दूं कि जैसे आप लोगों का जो नॉर्मल वाला सीजन जिस दिन स्टार्ट होगा उसी के साथ गए जहां पे कैजुअल सीजन भी यहां पे स्टार्ट हो जाएगा और ये भी गए जहां पे 2 मंथ के लिए आप लोग का चलेगा। और बाकी इसके अंदर में गए जहां पे क्या हुआ कि आप लोग को हर एक वीकली यहां पे कुछ मिशन देखने को मिलेगा और उसको जैसे आप लोग कंप्लीट कीजिएगा तो उससे गए जहां पे आप लोग का टीयर यानी कि आप लोग का यहां पे रैंक अप होगा। और उसके अलावा गए जहां पे बता दूं कि कुछ ऐसा यहां पे रिवार्ड रहेगा जो कि गए जहां पे फर्स्ट टाइम मिलेगा तो वहां पे तो सही है, लेकिन वही सेम रिवार्ड अगर आप लोग को दोबारा यहां पे मिलता है तो वो गए जहां पे ऑटोमेटिकली 200 टोकन में यहां पे कन्वर्ट हो जाएगा। और बाकी इसके लोग जहाँ पे रही बात की इसके अंदर में कैसे आप लोग का रैंक अप होगा यानी कि टियर अप होगा, तो इसके लिए गए जहाँ पे देख सकते हो पॉइंट सिस्टम यहाँ पे बताया गया जहाँ पे होगा ये गए कि हर एक वीक में आप लोग को यहाँ पे कुछ मिशन यहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी कि जैसे आप लोग का आरपी मिशन रहता है वीकली उसी टाइप से गए जहाँ पे आप लोग का कैजुअल सीजन के अंदर कुछ वीकली मिशन देखने को मिलेगा। और हर एक वीक में गए जहाँ पे बता दूं कि 1000 मैक्सिमम आप लोग को पॉइंट यहाँ पे मिल सकता है। और क्योंकि जहाँ पे 2 मंथ का आप लोग का ये सीजन चलेगा तो इसी कारण से गए जहां पे बता दूं कि टोटल मिला के 8 वीक का गए जहां पे आप लोग का मिशन रहेगा और हर एक वीक में गए जहां पे देख सकते हो मैक्सिमम 1000 पॉइंट आप लोग को मिलेगा। और क्योंकि 8 वीक का गए जहां पे आप लोग ये सीजन चलेगा तो मैक्सिमम गए जहां पे 8000 पॉइंट आप लोग इसके अंदर से यहां पे रिडीम कर सकते हो। बाकी रही बात गाइस कि यहां पे कैसे-कैसे आप लोग का रैंक अप होगा तो देख सकते हो गाइस यहां पे जो स्टार्टिंग आप लोग का रैंक रहेगा उसका नाम यहां पे कैजुअल ब्रोंज रहेगा जो कि आप लोग का 0 से स्टार्ट होगा। फिर गए यहां पे देख सकते हो जैसे ही 500 पॉइंट कीजिएगा तो आप लोग का कैजुअल सिल्वर हो जाएगा, फिर 1000 पॉइंट करने के बाद आप लोग का कैजुअल गोल्ड हो जाएगा, फिर 2000 में आप लोग का कैजुअल प्लेटिनम, फिर 3500 में आप लोग का कैजुअल डायमंड, 5000 में आप लोग का कैजुअल क्राउन और साथ में कैजुअल एस यानी कि आप लोग का हाईएस्ट इसके अंदर टियर है एस जिसके लिए 7000 पॉइंट करना पड़ेगा, इनकी 8000 पॉइंट आप लोग को मैक्सिमम मिल रहा है जिसमें से गए अगर आप लोग 7000 पॉइंट कर लेते हो तो आप लोग को यहां पे एस टियर मैक्सिमम इसके अंदर कर सकते हो। बाकी रही बात गाइस कि इसका जो मिशन है ये एक्चुअल में किस टाइप से रहेगा तो देख सकते हो गाइस यहां पे राइट साइड में आप लोगों को मिशन दिख रहा होगा और इसमें गाइस यहां पे ऑल या फिर गाइस यहां पे देख सकते हो अलग-अलग जो आप लोग का कैटेगरी का गाइस यहां पे आप लोग मिशन रहता है जैसे कि अरीना हो गया या फिर गाइस यहां पे वाओ मोड हो गया या फिर गाइस यहां पे अनरैंक हो गया, तो ये चीज गाइस यहां पे अलग-अलग भी आप लोग देख सकते हो या फिर ऑल में गाइस यहां पे सारा मिशन दिख रहा होगा। जैसे कि यहां पे देख सकते हो पहला आप लोगों को मिशन दिख रहा होगा जिसमें क्या करना है कि 30 मिनट तक गाइस यहां पे आप लोगों को या तो
अनरैंक अरिना हो गया, आर्केड हो गया, या फिर वाव हो गया, या फिर गए यहाँ पे होम मोड हो गया। इसमें आप लोग क्या करना है कि 30 मिनट यहाँ पे सर्वाइव करना है, जिससे गए यहाँ पे क्या होगा कि आप लोग को 30 यहाँ पे कैजुअल पॉइंट मिल जाएगा। या फिर गए यहाँ पे इसी टाइप से देख सकते हो, आप लोग को एक रिपीटेबल मिशन दिख रहा होगा जहाँ पे 5 अरीना में गए जहाँ पे मैच जीतना है। तो बता दूंगा इसकी जैसे ही 5 मैच यहाँ पे जीत जाएगा तो 50 पॉइंट मिलेगा, और क्योंकि रिपीटेबल यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसी कारण से गाइस बता दूं कि इसको आप लोग वापस अगर मान लीजिए 5 मैच जीते तो फिर से 50 पॉइंट मिलेगा। और इसी टाइप से गाइस यहाँ पे देख सकते हो आप लोग को टोटल मिला के यहाँ पे राइट साइड में नंबर ऑफ टाइम्स दिखाया जा रहा है कि कितने बार गए जहाँ पे इसको आप लोग रिपीट कर सकते हो। जैसे कि जो पहला मिशन था उसको 20 बार कंप्लीट कर सकते हो, या फिर गए जहाँ पे कोई मिशन देख सकते हो 4 बार, कोई मिशन 2 बार। तो इस टाइप से गए जहाँ पे काफी सारे ऐसे मिशन रहेंगे जो कि रिपीटेबल रहेगा, यानी कि उसको आप लोग बार बार गए जहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो। और इसी टाइप से गए जहाँ पे और नीचे जाएगा तो काफी सारे गए जहाँ पे मिशन है जो कि आप लोग को देखने को मिलेंगे, और कुछ कुछ गए जहाँ पे मिशन ऐसा रहेगा जो कि आप लोग बस एक ही बार गए जहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो। और बता दो गाइस कि लगभग यहाँ से वैसे तो आप लोग को 1500 से लेकर 2000 के आसपास एक वीक में यहाँ पे पॉइंट मिल रहा है, लेकिन उसमें से गए जहाँ पे मैक्सिमम क्या हुआ कि 1000 पॉइंट आप लोग का यहाँ पे काउंट होगा। उसके बाद में गए जहाँ अगर मान लीजिए एक्स्ट्रा मिशन आप लोग कंप्लीट भी करते हो तब भी गए जहाँ पे उस वीक के अंदर आप लोग का एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे काउंट नहीं होगा। बाकी रही बात गाइस कि यहाँ पे जो आप लोग रैंक पुश या फिर बोल सकते हो कि जो मिशन कंप्लीट कीजिएगा और इससे जो आप लोग को पॉइंट मिलेगा, क्या इससे हम लोग को रिवार्ड मिलेगा या फिर नहीं, या फिर बस ऐसे ही हम लोग फालतू का रैंक पुश करेंगे? तो बता दो गाइस कि ऐसा नहीं कि बस यहाँ पे फालतू का रैंक पुश होगा, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग को रिवार्ड मिलेगा। जैसे कि कैजुअल ब्रोंज में आप लोग को सप्लाई क्रेडिट कूपन है, उसके अलावा यहाँ पे कैजुअल सिल्वर जैसे पहुंच जाएगा यानी कि 500 पॉइंट कीजिएगा तो आप लोग क्लासिक क्रेडिट कूपन, और साथ में गए जहाँ पे देख सकते हो एक एडवांस कैजुअल पॉइंट है जो कि आप लोग को 200 मिल रहा है। अब इसका यूज गए जहाँ पे कैसे करना है, कहाँ पे करना है, मैं इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। बाकी इसके अलावा यहाँ पे इसी टाइप से देख सकते हो और नीचे जाएगा तो कैजुअल गोल्ड आप लोग दिख रहा है, जिसमें गए जहाँ पे आप लोग को लेजेंडरी कैटेगरी का आउटफिट मिलेगा। और इसके अलावा यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 400 आप लोग को यहाँ पे पॉइंट दिख रहा है, और ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो पॉइंट है इसको आप लोग तभी यूज कर पाएगा जब गए जहाँ पे आप लोग एज टीयर यहाँ पे कर लीजिएगा, वो भी गए जहाँ पे कैजुअल सीजन के अंदर, तभी जाकर गए जहाँ पे ये जो पॉइंट है आप लोग का यूज होगा। यानी कि अगर मान लीजिए आप लोग एज टीयर यहाँ पे नहीं पहुँचते हो तो ये जो पॉइंट है ये आप लोग का गए जहाँ पे वैसे ही पड़ा हुआ रहेगा, और नेक्स्ट या फिर कभी फ्यूचर में जब तक आप लोग एज टीयर नहीं पहुँच पाएगा तब तक गए जहाँ पे ये पॉइंट आप लोग का यूज नहीं कर पाएगा। तो ये एक न्यू टाइप का गए जहाँ पे चीज है जो कि गेम के अंदर ऐड हुआ है। बाकी इसके अलावा जहाँ पे नेक्स्ट बात करूँ तो इसी में गए जहाँ पे देख सकते हो आप लोग को कैजुअल प्लेटिनम यहाँ पे दिख रहा होगा, जिसके लिए गए जहाँ पे 2000 आप लोग को पॉइंट करना पड़ेगा, जहाँ पे आप लोग को एक सनग्लासेस का स्किन और साथ में गए जहाँ पे 700 आप लोग को कैजुअल पॉइंट्स मिल जाएगा। बाकी इसके अलावा जहाँ पे नेक्स्ट आप लोग का कैजुअल डायमंड, जहाँ पे देख सकते हो एक एसकेएस आप लोग गन का स्किन मिल जाएगा, और साथ में गए जहाँ पे 1000 आप लोग को पॉइंट मिलेगा। फिर इसी टाइप से गए जहाँ पे थोड़ा और आगे जाएगा तो कैजुअल क्राउन दिख रहा है, जहाँ पे गए देख सकते हो सबसे पहले का अवतार आप लोग को मिल जाएगा, उसके अलावा जहाँ पे एक आप लोग को नेम टैग यहाँ पे मिल जाएगा, और साथ में गए जहाँ पे देख सकते हो नीचे में आप लोग दिख रहा होगा जो कि एक्सपी पॉइंट है, तो ये भी गए जहाँ पे देख सकते हो टोटल मिला के 1200 आप लोग को मिल जाएगा। बाकी इसी टाइप से गए जहाँ पे देख सकते हो और आप लोग कैजुअल एज टीयर कर लेते हो तो आप लोग को एक अवतार फ्रेम मिलेगा जो कि लेजेंडरी कैटेगरी का, उसके अलावा जहाँ पे एक नेम टैग मिल जाएगा, और साथ में गए जहाँ पे लास्ट में देख सकते हो आप लोग को गए जहाँ पे कैजुअल पॉइंट दिख रहा होगा, जो कि गए जहाँ पे बता दो कि टोटल मिला के यहाँ से आप लोग को 1500 और मिल जाएगा। तो अभी गए जहाँ पे आप लोग को मैंने कैजुअल पॉइंट बताया, लेकिन इसका यूज कहाँ पे होगा अभी तक मैंने नहीं बताया, तो ये अभी जस्ट आप लोग को आगे बताता हूँ। उससे पहले गए जहाँ पे देख सकते हो एक मल्टी एस का गए जहाँ पे एक न्यू चीज है जो कि पहली बार गेम के अंदर ऐड किया गया, तो अब इसका मतलब क्या हुआ इसको पहले समझ लेते हैं। तो बेसिकली गए जहाँ पे करना ये पड़ेगा कि आप लोग को गए जहाँ पे जो ये नॉर्मल वाला सीजन रहता है उसके अंदर में गए जहाँ पे एज टीयर करना है, और दूसरा गए जहाँ पे ये जो कैजुअल सीजन है इसमें भी आप लोग को एज टीयर करना है, यानी कि दो जगह पे आप लोग को एज टीयर करना पड़ेगा, तब जाकर गए जहाँ पे ये मल्टी एज का रिवार्ड मिलेगा। जहाँ पे देख सकते हो गए सबसे पहले एक लेजेंडरी में आप लोग को ये अवतार फ्रेम दिख रहा होगा, और दूसरा गए जहाँ पे बता दूं कि इसी में आप देख सकते हो एक नेम टैग मिल रहा है। तो बता दूंगा इसकी पहले यहाँ पे क्या था कि कॉन्करर फ्रेम
ऑनलाइन गए जहाँ पे मिलने वाला था, लेकिन गए जहाँ पे कम्युनिटी में काफ़ी सारे लोग ये कंप्लेन किए कि हम लोग यहाँ पे इतना ज़्यादा मेहनत करके रैंक पुश करके टॉप 500 रैंक के अंदर आए, तब जाकर हम लोग को कॉन्करर फ्रेम मिला और अब इतने आसानी से दे दिया जाएगा, ये तो काफ़ी गलत बात है। तो इसी कारण से गए जहाँ पे बता दूँ कि बाद में ये रिवार्ड को चेंज कर दिया गया। तो कमेंट में आप लोग बताइएगा इसकी रिवार्ड यहाँ पे चेंज किया गया तो ये गलत है यहाँ पे सही है, डेफिनेटली आप लोग कमेंट में बताइएगा। बाकी अभी गए यहाँ पे बात करते कि जो आप लोग का कैजुअल यहाँ पे जो पॉइंट है उससे क्या क्या रिवार्ड को रिडीम कर सकते हो। तो देख सकते हो गए यहाँ पे कल जैसे ही न्यू सीजन आएगा तो उसके साथ में के न्यू टाइप का इवेंट शॉप आप लोग दिख जाएगा, जहाँ पे देख सकते हो गए जो आप लोग का कैजुअल पॉइंट मिलेगा उसी से गए जहाँ पे ये जो रिवार्ड आप लोग को दिख रहा है इसको गए यहाँ पे रिडीम कर पाएगा, जिसमें गए जहाँ पे होम का रिवार्ड है या फिर गए जहाँ पे देख सकते हो कुछ इफेक्ट है जो कि आप लोग दिख रहा है। और बता दूंगा इसकी जो इफेक्ट है ये आप लोग को तभी दिखेगा जब आप लोग गए जहाँ पे 3000 में इसको रिडीम कर लीजिएगा, और रिडीम करने के बाद भी गए जहाँ पे बता दूं कि ये चीज़ आप लोग को अरीना मोड के अंदर में बस यहाँ पे यूज होगा, बाकी इसके अलावा दूसरा जगह पे यूज नहीं कर सकते हो। बाकी इसके अलावा गए जहाँ पे देख सकते हो रेटिंग प्रोटेक्शन कार्ड है जो कि बता दूं कि जैसे आप इसको रिडीम कीजिएगा ये उसी सीजन के अंदर में टोटल मिला के है जहाँ पे ये 5 आप लोग को मिलेगा और उसी सीजन के अंदर ये एक्सपायर भी हो जाएगा, यानी कि अगर मान लीजिए इसको आप लोग रिडीम करना है तो ट्राई कीजिएगा इसके बिल्कुल स्टार्टिंग में आप रिडीम कर लीजिए ताकि पूरा 2 मंथ के लिए आप लोग का चले और 2 मंथ में गए जहाँ पे अच्छे से उसका आप लोग यूज कर सकते हो। बाकी इसके अलावा गए जहाँ पे देख सकते हो लाइट होम कॉइन है या फिर गए जहाँ पे एजी करेंसी है जो कि है जहाँ से आप लोग को एक्स्ट्रा रिडीम कर सकते हो। तो इस टाइप से गए जहाँ पे काफ़ी सारे रिवार्ड है जो कि यहाँ से रिडीम कर पाएगा, लेकिन बस गए जहाँ पे ध्यान ये रखिए कि जैसे कि मैंने आप लोग बोला कि जब तक एज टेयर आप लोग नहीं पहुँच पाएगा तब तक गए जहाँ पे जो आप लोग का कैजुअल पॉइंट है उसका यूज यहाँ पे नहीं कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ गाइस कि एक एक करके पूरा डिटेल में मैंने आप लोग समझा दिया कि एक्चुअल में गए जहाँ पे ये जो कैजुअल सीन है ये होता क्या है और यहाँ पे आप लोग को कैसे कैसे करके है जहाँ पे क्या क्या रिवार्ड यहाँ पे मिल सकता है और साथ में कैसे आप लोग यहाँ पे रैंक पुश कर सकते हो। बाकी इसके लोग जहाँ पे कुछ भी डाउट रह गया होगा इससे रिलेटेड तो आप लोग तो गए जहां पे कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी मैं मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।